मेरी आवाज जा रही है? धर्मेंद्र जी, केशव जी, ऑल ओके है? ठीक है, ठीक है। अभी मार्केट ओपन हुआ नहीं, 9:14 ही हुआ है। धीरे धीरे आज ट्रेड नहीं करना है मुझे, इसलिए नहीं लेना है कि मेरा एक ऑर्डर लिया हुआ है लंबा समय के लिए, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी वाला 43,500 का, 43,500 का दो लॉट ले रखा है, बस इसी में रहेगा। मैं कोई नया ट्रेड आज मारने ही वाला नहीं हूँ, एकदम कोई नया ट्रेड नहीं। अब ये नीचे आ जाता है तो मैं और ऐड कर लूँगा और बाय कर लूँगा, पर नया मतलब कोई आज करेंट ट्रेड नहीं करने वाला। अब जैसे देखिए, ये मार्केट खुल गया और ये नीचे आ गया है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर मार्केट आ रहा है, उसके बाद हम इसको ऐड करने की कोशिश करें। नमस्कार बिरादे साहब, शिव कुमार जी, नया कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बस इसी को ऐड करेंगे, और नीचे आ जाए तो और ऐड कर लेंगे 43,500 वाला कॉल ऑप्शन। तेजी से आ रहा है 42,700, अगर 500 पर आ जाता है तो बहुत अच्छा बात है, मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। नया आज कोई ट्रेड नहीं करना है मुझे, दो लॉट पहले से ले रखा है, इसलिए नया कोई ट्रेड नहीं करना है मुझे, बल्कि उसी में ऐड कर लूंगा नीचे की साइड में। अभी देख रहे हैं कहां रुक रहा है ये थोड़ा सा, उसके बाद ये अच्छा एरिया है 500 वाला, यहाँ पर आता है तो ऐड किया जा सकता है। मैं एक लॉट यहाँ पे भी ऐड करूँगा, मैंने दो लॉट ले रखा था ना, अब मैंने तीन कर लिया है ना, 45 क्वांटिटी हो गया, तीन लॉट हो गए, तो यहाँ पे भी मैं ऐड करूँगा और 500 पर भी मैं ऐड करूँगा। मैंने थोड़ा दूर का ले रखा है, रीज़न है, मेरा अपना रीज़न है। मॉर्निंग अजय जी, नमस्कार नमस्कार। तो इस एरिया पे भी हमने एक लॉट और ऐड कर दिया, यानी दो लॉट और ऐड कर दिया, टोटल चार लॉट हो गए नया। अब मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा इस पे। हाँ, अगर 500 के आसपास आ जाता है तो यहाँ पर मैं कुछ और ऐड कर दूंगा, कुछ और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर गया वो, और हमें ये देखना है 600 पे ऐड किया है, फिर 500 पे ऐड करूंगा। 600 पे ऐड किया, दो लॉट नीचे आता है 500 के आसपास, तो दो लॉट वहां पे ऐड कर लूंगा। नया कोई ट्रेड नहीं, 43,500 का कॉल ऑप्शन ले रखा है 1 नवंबर के एक्सपायरी का, बस मैं उसी में बना रहूंगा। नीचे आता है, अभी 600 पे आया तो मैंने दो लॉट ऐड कर लिया, कर दूंगा।
अभी मेरा ये है, चार लॉट है मेरे पास, 1 नवंबर के एक्सपायरी का मैंने होल्ड किया हुआ है, मैंने रखा है, यही रहेगा। इसमें काटूंगा नहीं पोजिशन, इसको एक्सपायरी के दिन काटूंगा, एक्सपायरी वाले दिन काटूंगा या एक्सपायरी के एक दिन पहले काटूंगा, पर उसके पहले तो नहीं करने वाला। इसी में और नीचे मिलता है तो मैं और ऐड कर लूंगा। फिलहाल देखें कहाँ पे मूवमेंट है। मैं सिप्ला में वाह 2% की तेजी आ गई। और तो हम लोग यहाँ सिप्ला के चार्ट को जरा से देखें क्या चलता है। सिप्ला, उसके अलावा SBI लाइफ भी है, बहुत बढ़िया, इसलिए महा लाइफ मैंने खोल के भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये भी ठीक है, जबरदस्त। अभी समय 9:19 ही हुआ है और जबरदस्त भागा। बायोकोन में भी होगा कुछ मूवमेंट, नीचे की तरफ है। ओके, गिरावट में कौन है भाई? बजाज फिनसर्व, अच्छा मैक्सिमम बैंकिंग स्टॉक्स है, M&M, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाइटन। नमस्कार सारे लोगों को। टाइटन टाइटन तो फ्राइडे के लो के नीचे कमजोर हो सकता है। उसके पहले नहीं। और स्टॉप लॉस 3100, टारगेट 3070, 3055, 70, 85। वो को तोड़ता है तो फिर कमजोर हो सकता है। सेलो का क्या है? M&M को 1497 के नीचे। ओके, सेलो वही वाटर बोतल वाला IPO आ रहा है नहीं? बहुत बढ़िया, वाटर बोतल का IPO आ रहा है, बहुत अच्छा, आना ही चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है, लगभग हर घर में उसका प्रोडक्ट मिल ही जाता है। M&M को 1497 ना, M&M को चेक करते हैं, चेक करता हूँ। 500 तो मैं ऐड करूंगा, तब तो अच्छी बात है, 5-4 पॉइंट तो बन गए आपके। चलिए 1497, ठीक है सर, अच्छा किया है। टाटा मोटर्स में भी होगा बिकवाली, टाटा मोटर्स में भी प्रेशर है। प्रेशर है,
ये 500 के आसपास आ गया है। मैंने एक नंबर के एक्सपायरी का खरीद के रखा है 43,500 का, दूर का कॉल ऑप्शन, उसी में मैं रहेगा मेरा पोजीशन, मैं दूसरा कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, उसमें लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए कोई फर्क नहीं है, मैं उतना सा रिस्क लेने के लिए मेंटली तैयार हूँ। रुशिल में प्रॉफिट आ गया 500, बादर में जी रुशिल प्रॉफिट, रुशिल डेकोर भागा ना, हाँ भागा 366 के ऊपर, हाई मार गया 370 का, ठीक ही है, अच्छा है। सिप्ला महा लाइफ में भी कुछ बन सकता है, एसबीआई लाइफ, चलिए अब बैंक निफ्टी पर। मैंने क्वांटिटी टोटल 120 क्वांटिटी है, 43,500 कॉल ऑप्शन, मैं अपना लॉस लेने के लिए माइंड मेकअप कर रखा हूँ कि मुझे इसमें लॉस मंजूर है, लेकिन मैं यही में रहूंगा पूरा एक नवंबर का जो एक्सपायरी का है। किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी लीजिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना रिस्क के हिसाब से ले रहा हूँ, अपनी समझ के हिसाब से ले रहा हूँ, तो उम्मीद है। पांच सौ तक आगे बढ़िया, चलिए उसी में प्रॉफिट बन गया, अच्छी बात है। टाटा मोटर्स लो मर गया 632, लीजिए 631 का लो हो गया, देख रहे हैं जबरदस्त। बैंक निफ्टी थोड़ा मूव किया यहां से, TCS को 3370 के ऊपर बाय। आईटी में नहीं देखा ना, आईटी का नहीं देखा मामला क्या चल रहा है आज, आईटी का किधर का चल रहा है 3370, हाँ सही है 3370 के ऊपर भी अच्छा है और इसके ऊपर भी ठीक ठाक लग रहा है, 65 के ऊपर भी ठीक ठाक लग रहा है। बयालीस 600 का सी भाई, 500 ने
गलती से 500 टाइप हो गया था, खैर वो लेवल ही नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। बयालीस 500 को क्लेम कर गया। प्रीवियस डे के लोग को क्लेम कर लिया, बा क्या इस गैप को फिल कर लेगा? आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं है। लेवल आएगा तभी कुछ होगा, नहीं आएगा नहीं आएगा उसमें क्या है? जब आएगा तब लिया जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं लेना है। लेकिन सेल साइड उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, क्योंकि वो तेजी से आ गया अपने एरिया पर बहुत फास्ट तरीके से। नमस्कार प्रमोद जी, नमस्कार दादा। लेवल मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 42,600 का सी बाय एबव 185, ज्यादा ऐसा नहीं, 150 का लेके चलेंगे, 210 से 235। जाएगा ऊपर ठीक है, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। हाँ भाई, गैप को फिल कर लिया नहीं? टाइटन, टाइटन ने लो लगाया 84 का, ठीक है, और टाटा मोटर्स ने लो लगाया 628 का, तो इसका तो टारगेट हो गया टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स फर्स्ट टारगेट डन, टाटा मोटर्स।
जिसका लेबल आया उसका टारगेट डन हो गया सीधा जॉब पे, जिसका लेबल नहीं आया है उसमें ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो नहीं। तो क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या क्या लिया कुछ बताइए। मैंने तो बता दिया कि मैंने 43,500 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, एक नंबर के एक्सपायरी का होल्ड रखा हुआ है, उसको लॉस उसमें मंजूर है मुझे, मैं कि लॉस लेके जाऊंगा अगर लॉस होता है तो वो मेरा माइंड मेकअप है, इसलिए मुझे उसमें कोई हेडेक नहीं है, है ना, उसमें मुझे कोई हेडेक नहीं। पोजिशन देखेंगे, ये लॉस लेने के लिए मैं ऐड किया, 42,500 पे ऐड करना था, 42,500 पे ऐड कर लिया, तो जहां जहां ऐड करना था वहां वहां मैंने पोजीशन ऐड कर लिया। मेरा एवरेज प्राइस हो गया है 18 रुपये 86 पैसे का। अब देखते हैं 1 तारीख तक में इसका क्या होता है, 1 नवंबर तक में इसका क्या हिसाब किताब हो रहा है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि भाई यही वाला लीजिए या लीजिए ही, मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मैंने ये लिया है, आप अपने हिसाब से करें, मेरा अपना इस पे व्यू है, मैंने अपने हिसाब से मेकअप रेडी है कि भाई मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि अगर इसमें रिकवरी अगर आएगा किसी कारण, बस इनकेस हम नहीं जानते आएगा कि नहीं आएगा, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन अगर आया तो बहुत ही फास्ट आएगा, क्योंकि सब कुछ ओवरसोल्ड है, इंडेक्स पूरा ओवरसोल्ड हो रखा है ना, पूरा इंडेक्स ही ओवरसोल्ड हो रखा है। तो अगर रिकवरी आना होगा तो बहुत रिकवरी भी तो वहीं मिलेगा। खबर आ गया कि 2800 टारगेट होगा, ब्रोकरेज हाउस ने इसका टारगेट 2800 कर दिया। बताइए, जैसे सुना 2800 टारगेट हो जाएगा इसका तो लोग ने कूद गए इसमें खरीद। सब कुछ दिख रहा है ना, सब कुछ संजीव जी का, आपका तरफ में कुछ प्रॉब्लम होगा संजीव जी, मैंने तो शेयर किया हुआ है, चार्ट तो दिख ही रहा है सर, है ना, तब संजीव जी आपका कुछ इश्यू होगा आपके तरफ, है ना। ला, 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 ला। देखिए कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी थोड़ा रुका, देखिए वापस है ना, ट्रेन लाइन पर होल्ड कर रहा है बिल्कुल। अभी दो एरिया ना, इस दो एरिया को ऊपर निकलेगा तब भी मामला जमेगा, ये दो एरिया के ऊपर यानी कि 500 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करे तब रुकना स्टार्ट करे तो समझिएगा कि ठीक है, नहीं टाटा मोटर्स का लो हो गया है 626,
टाटा मोटर्स। मोटर का हो गया लो 626। और टाइटन का लो हो गया है जाके 3076। ओके, टाइटन का लो हो गया 3076। कहाँ गया टाइटन? टाइटन लो हो गया 3076। 3076 का फर्स्ट टारगेट की तरफ आ रहा है टाइटन। चलिए बैंक निफ्टी 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तब कुछ जमेगा मामला, नहीं सस्टेन करेगा तो नहीं जमेगा मामला। डाउनफॉल हुआ बैंक निफ्टी में वापस। बहुत मुश्किल होगा अब 42500 के ऊपर। वही वही 42500 ही तो सही कह रहे संजीव जी, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, असंभव तो नहीं है पर मुश्किल जरूर है। मुश्किल जरूर है। अब ये दिन भर यहाँ पे घुमाएगा फिराएगा, प्रीमियम रिमियम खा जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। भाई याद रखें, हमेशा ध्यान रखें इस बात को, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके वजह से निफ्टी भी नहीं जा पा रहा है ऊपर। निफ्टी को रिलायंस बहुत कोशिश किया लेके जाने का, पर उसको भी नहीं जाने दे रहा ये। इन 3270 सर एक कैंडल में घूम गया, एक कैंडल में बैंक निफ्टी का लेवल ही नहीं आया हम लोगों वाला। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नो ट्रिगर। लीजिए 400 को भी तोड़ दिया। तीन सौ 91 का लो लगाया, वाह बहुत मुश्किल मुश्किल हो गया, नहीं बहुत मुश्किल हो गया 42500 के ऊपर।
फ्राइडे का गैप फील करेगा लग रहा, कर तो लिया, लगभग कर ही लिया है हर्षित जी, लगभग तो कर ही लिया, वो भी लगभग कर लिया समझिए। अब यहाँ पे घूमता फिरता रहेगा, प्रीमियम खाता रहेगा लोगों का। फिर से रुसील डेकोर भागा ऊपर, देख मेरा कोई नया ट्रेड नहीं है। टाटा मोटर 622 70 का लो मारा, इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स ने ऑल टारगेट डन कर दिया, ऑल टारगेट डन टाटा मोटर्स, जिसके लेवल आ रहे हैं उसका टारगेट डन हो रहा है, जिसका लेवल आया उसका टारगेट डन हो गया, सीधा बात है कि नहीं। जिसका ट्रिगर ही नहीं हुआ है उसका तो बात ही खत्म है। पूरा दिन का काम 1 घंटा में ही कर दिया, आप टाइम पास करें, अब वही करेगा, अब रुकेगा, ठहराएगा, टहलाएगा, लोगों का पेशेंस टेस्ट लेगा, जिसने पहले ही मार लिया होगा ऑर्डर उसका कलेजा दिल धड़काएगा उसका, है कि अब वही काम करेगा ही। इसीलिए वेट की ऐसी हमें ट्रेड नहीं करना, आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। नहीं आएगा तो नहीं, एक बहुत पहले बताया था याद है या होगा ही, कि जब ऐसा रहे ना और आपका पोजीशन आपको बनाने का मन करे, मैं जा रहा है हमें तो बाय साइड ही जाना है, तो वहाँ पर से वो घूम जाएगा, वो मेथड में इतना फास्ट घूमता है कि आपने देखा होगा कि तुरंत से खट 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 काम हो जाता है बस, और उसमें रिस्क भी नहीं बनता इस वजह से कि भाई हमारा तो लेवल ही नहीं आ रहा है, लेवल तो पता है कहाँ पर है, हमें कहाँ पर एंट्री करना है, वो चीज़ें तो पता हो जाता है, तो बिल्कुल उस हिसाब से बने रहिए, बैठे रहिए, कोई टेंशन, आया तो ट्रिगर होगा लेवल, नहीं आएगा तो नहीं होगा ट्रिगर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, जैसे जैसे बनता जाए वैसे वैसे करते जाए।
पना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बाय करते थक जाएंगे, 1,000 रुपये सुशील रुसील में बन गया, ओके आधा बुक आधा होल्ड, बहुत बढ़िया, चलिए रुसील डेकोर में इनका 1,000 टका का काम हो गया, बढ़िया है। तब तो अब क्या चाहिए, 375 हो गया है ना, वाह देखिए 375 हो गया, सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ तो इसके लिए क्या होना चाहिए हर्ष जी, जो आपने कहा बिल्कुल वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो व्यू तो आपका क्लियर है ना कि आपको बाय करना है, ये व्यू तो क्लियर कर लिए ना हम लोग कि हमको बाय करना है, चलिए डाउन ट्रेंड में ही बाय करना है, तो वो भी तो पता है कि डाउन ट्रेंड में हमें कहाँ बाय इस तरह से करना है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ऑर्डर भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब लॉस भी तो नहीं हो रहा है, जब ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हो रहा है ना, तो व्यू तो कंडीशन पे हमारा कंडीशन क्लियर है कि कहाँ कहाँ पर से बाइंग होना है ना, कहाँ कहाँ पर हमको बाय लगाना है, तो वो चीजें जब आ रही है, क्या लिख रहे हैं, 2 दिन की सैलरी 40 यूनिट में और क्या चाहिए, इस जीवन में आपके आशीर्वाद से रह रहे सर, आपका मेहनत बन गया ना, दूसरी डेकोर में काम हो गया, चलिए बढ़िया, 366 के ऊपर का तो लेवल है ही, वो 375 चल रहा है, 10 पॉइंट तो बन ही गया, जब वो ट्रिगर होगा तब होगा, हम लोग चुपचाप से बैठे रहेंगे उस हिसाब से। करना बाय है ये माथा में क्लियर है, ये दिमाग में हमारा क्लियर कि करना हमको बाय है, कहां पे करना है, बस लॉस भी ना हो, हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाए, अगर लॉस भी होगा तो छोटा होगा। आज ऑटो सेक्टर क्या हो रहा है भैया, ऑटो सेक्टर दिवाली में गाड़ी नहीं बुक हो रहा है क्या, दिवाली में गाड़ी बुक नहीं हो रहा है लग रहा है, महिंद्रा गिर गया, टाटा मोटर गिर गया, हाँ आइसर मोटर भी गिरा होगा तब, हाँ ये भी 1.5% डाउन है, अब आप पता है कहां पे हम लोग का हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखिए गजब देख रहे ना, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 446 का हाई लगाया इसने, 441 का हाई लगाया, इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये देख लीजिए कैसा स्थिति है, सोचिए, इसीलिए करना है तो अपने कंडीशन पे करेंगे, नहीं कर जबरदस्ती का एंट्री तो नहीं कर सकते ना, जबरदस्ती का नहीं कर सकते, लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट डाउन में है लेकिन ये पगला जो है कॉल दिए जा रहा है, इसलिए भैया कि मेरा सेल साइड व्यू है ही नहीं, मेरा सेल साइड का व्यू 5 मिनट में उसने खत्म कर दिया, तो जब 5 मिनट में उसने खत्म कर दिया तो हम काहे उसमें उंगली करने जाएं, हम काहे जबरदस्ती का ट्रेड मारे, हमारा व्यू सेल साइड का था लेकिन वो रुकता तब, लेकिन वो रुका नहीं, तुरंत एक ही कैंडल में वो सारा व्यू खत्म कर दिया, तो जब वो सारा व्यू खत्म कर, हम उंगली काय करें अब जबरदस्ती का, तो हम बाय साइड बैठेंगे, लेकिन बाय साइड अपने कंडीशन पे बैठेंगे, जब मेरा लेवल आएगा तब हम करेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, पैसा काट थोड़ी रहा है, निफ्टी में ज्यादा प्रेशर है, निफ्टी ठीक था सर, निफ्टी को तो रिलायंस का ताकत था आज, लेकिन बेचारा ऐसा उसको भी रिलायंस पूरा जोर लगा रहा है रिलायंस, लेकिन सब मिलके उसको जाने नहीं दे रहा, अकेला इतना रिलायंस ही है जो निफ्टी को 88 पॉइंट गिराया है, नहीं तो इसको तो आज ताकत मिला है ब्रोकरेज हाउस वाला ना, 2800 का टारगेट कर दिया इसको, तो ये थोड़ा सा जान बचा है इसमें,
हो निफ्टी में ज्यादा प्रेशर है ना। चलिए को टाटा क्या लगता है अब यहां से रिवर्सल मारेगा क्या? क्या लगता है यहां से बैंक निफ्टी रिवर्सल मारेगा? देखिए ये पहला बार ऐसा हो रहा है, देखिए पहला बार हो रहा है, देखिए देखिए जो इंडेक्स में ट्रेड करेगा। अच्छा अगर यहां पर देखें बैंक निफ्टी का फ्यूचर 30 नवंबर वाला कितने पॉइंट का यहां पर रिस्क बनता है, अस्सी पॉइंट का, बाप रे 80 पॉइंट का रिस्क बन रहा है। क्या लग रहा है रिवर्सल होगा यहां से? क्या वो काम करेगा वो चीज करेगा कि नहीं करेगा? क्या लग रहा है आप लोग को जिसकी अभी कर रहा है ना? सतासी बड़े बड़े रेड कैंडल, ये फिर से बियरिश फ्लैग बनाएगा लग रहा है इस तरह से। ये देख रहे गया उसके बाद बियरिश फ्लैग बना लिया, अब ऐसे गिरा है कहीं फिर से ये बियरिश फ्लैग बना के 600 तक कहीं ना आ जाए। अब तो 42,500 के ऊपर क्लोज करे तो ही एंट्री लेने मजा। 42,500 सही कह रहे हैं आप, 42,500 ही बड़ा हडल, ये बड़ा रेड कैंडल है ना ये वाला, इसके ऊपर सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रमोद जी। देखिए क्या होता है, ये देख भागा, ये देख
इसने 294 का हाई मारा। पांच सौ ग्यारह के ऊपर निकला लेकिन क्लोज नहीं किया। अब दिवाली का लिस्ट तैयार कर लिया आप लोगों ने? अरे क्या लिख रहे हैं अभी तक? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। दिवाली पोर्टफोलियो नहीं। अब तो इलेक्शन भी है ना 24 में, इसका भी ध्यान रखना है। बाय को 3367 कर सकते हैं अजय जी, आईटी में टीसीएस तो हो निकले तो जरूर बाय करिए 67 के ऊपर 70 के ऊपर। ठीक है, आपका लेवल बिल्कुल एक ही कैंडल के शेडो में घूम रहा है, बिल्कुल बॉक्स है। कल मैच देखा आप लोगों ने? इंडिया इंग्लैंड वाला, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला मैच देखा?
पता चला सब मैच जीत जाएगा और जाके फाइनल या सेमीफाइनल में हार जाएगा। और बिना एक भी मैच हारे अगर वर्ल्ड कप जीत गया तब तो ये गर्दा रिकॉर्ड रहेगा। फिर सब कहेगा कि बीसीसीआई तो खरीद लिया ना। बीसीसीआई तो खरीद लिया कहेगा, बोलेगा मतलब सब मैच जीत जाए तब ना। पूरा कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी ऊपर बियरिश फ्लैग बनाने का पूरा कोशिश। बांग्लादेश विल श्योरली से दैट। अच्छा बांग्लादेश पक्का बोलेगा। नहीं एगो मेरा भाई भी बगल में ना, वो भी बोलता है, वो पाकिस्तान नाम का एगो ये है छोटा भाई, वो भी बोलता है। सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पाकिस्तान नाम का जो छोटा सा भाई है ना, वो भी बोलता है, बोलेगा बोलता है ये तो बीसीसीआई खरीद लिया ना। पूरा कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी एकदम फोड़ के ऊपर जाने का रे भाई। आ देखिए फोड़ने का कोशिश भी कर रहा है ये भैया। मैं तो इसी पे बना रहूंगा टिका रहा, प्रॉफिट हो जाए। मैं माइंड मेकअप करके रखा हूं कि मुझे 2000 का लॉस लेना है, इसीलिए मैं बैठ गया इस पर चुपचाप से। अब इसको भर एक्सपायरी तक मैं झेलूंगा, मुझे कोई नया ट्रेड लेना नहीं है, यही लेके बैठूंगा। चलो फोड़ो ऊपर, फोड़ो पप, चलो ऊपर, चलो ऊपर, थोड़ा दो फोड़ो, शाबाश, फोड़ो तो ऊपर, ऐसा मार मार मार, पप, चल चल, चल ऊपर, चलो अब, चलो ऊपर, फट, चल, जा रहा, चल, लगा चल, 5 पॉइंट और मार, मार ऊपर 5 पॉइंट, 7 पॉइंट मारो, हाँ 5 मार मार, शाबाश वाह शाबाश, फोड़ दो ऊपर, दिखा दो जलवा, कम ऑन इंडिया, कम ऑन, फोड़ दो, फोड़ दो, 30 33 70 ब्रेक करेगा टीसी, हाँ फोड़ा फोड़ा, ये फोड़ा ऊपर, हाँ फोड़ दो, शाबाश बहादुर, चलो दो बाबू फोड़ दो 600 तक तो, शाबाश 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 शाबाश, चलो ओहो शाबाश, 299 का मारा है। चलो दो ऊपर फोड़ दो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, बुक करिए, प्रॉफिट बुक करने में शर्माना नहीं, अगर इंट्री किया होगा आप लोगों ने तो। चलो ऊपर फोड़ दो तो बाबू, फोड़ दो ऊपर शाबाश, चलो 600 को फोड़ दो ऊपर, मुंह फोड़ दो, क्या क्या ऐसे ट्रेडिंग आपके अलावा तो कोई नहीं करवा रहा होगा सर, बोल बोल के ऊपर ले जाते हो। अरे नहीं सर, बोलता हूँ तो ऊपर ही हिसाब से जाता है, प्राइस के हिसाब से मेरे बोलने से थोड़ी जाता है। टीसीएस 3370 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, करेगा तब तो सही में मूवमेंट करेगा, बहुत अच्छा, और तो तुम 600 तक गर्दा उड़ा दो, तुम दिखा दो जलवा, जरा 600 तक का गर्दा उड़ा दो,
फटाक से। ओह ये लोग काम शुरू हो गया, खाली आवाज करता रहता है साउंड। शाबाश बहादुर, फोड़ो ऊपर 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 एकदम जल। इंडिया एक भी मैच नहीं हारा है तो तुम कैसे हार जाएगा, कम ऑन ऊपर की तरफ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन इंडिया, कम ऑन ऊपर की तरफ चलने का दादा, नीचे नहीं। दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की, कौन है वो कौन है तुम जानता नहीं। दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन। व्हाट अ कॉन्फिडेंस सर जी, मुझे कॉल साइड इतना भरोसा नहीं था। पैसे बन गया ना आपके कौशिक जी, पैसे बन गए ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, जो आप लोगों से सीखा हूँ मैं वही बता रहा हूँ, और क्या। दिल दीवाना सी लड़की, 500 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, 500 ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है ना। बन गया ना, आपसे अभी काफी कुछ सीखना बाकी। अरे नहीं सर, अब मैं क्या सिखा सकता हूँ इस सांसारिक मोह माया में, मैं क्या सिखाऊंगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। एगो एसी खरीदने का पैसा हो आपके स्विंग वाले ट्रेड, मैं ऑफिस में बता देता हूँ। अभी मैसेज मिला है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है रुशिल में, इंट्राडे में, आज ही छुट्टी पर हूँ, थैंक्स बोल रहे हैं, ऑफिस से मैसेज आया, बहुत बढ़िया। ओके सर, ओके सर, एंजॉय करिए। बस 30,000-35,000 का बन जाए मेरा किसी तरह ना, तो मैं वो एसी खरीदे सर। कहाँ साला 30,000-40,000 का एसी। मैं आपको बताता हूँ एक बात, ठीक है, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए या किसी और के लिए, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। बहुत साल पहले, कम से कम 15 साल पहले की बात बता रहा है, या 20 साल भी समझ सकते हैं, 15 से 20 साल पहले, उस वक्त किसी ने कहा, मतलब कहीं जाना था, मेरे पास साइकिल नहीं था, मैं पैदल आदमी था, पैदल से ही चलता था। तो किसी एक मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार उतना दूर जाएंगे पैदल जाएगा, हमने हाँ पैदल ही चलना है, बोला चल रिक्शा कर लेते हैं, है ना। मैंने कहा यार हम रिक्शा पे बैठेंगे, रिक्शा वो हाथ खींचने वाला रिक्शा, रिक्शा पे बैठेंगे यार, इतना हमको पैसा कहाँ से हो गया, इतना मतलब हम बड़ा आदमी थोड़े रिक्शा पे। उस वक्त रिक्शा पे बैठना मतलब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब अपने आप में फील आता था कि जेब में लगता है बहुत पैसा हो गया, ठीक है। रिक्शा पे बैठना में हमको बड़ा संकुचित फील होता था अंदर से, कि साला खाने को जेब में पैसा नहीं रहता है, 5 रुपया नहीं रहता है, जरूरी नहीं रह, मतलब कुछ ले नहीं पाते, कर नहीं पाते। रिक्शा पे बैठेंगे, 10 रुपया उसको देंगे रिक्शा वाले को, 5 रुपया देंगे रिक्शा वाले को, मतलब बड़ा फील होता था 10 रुपया 5 रुपया रिक्शा। और अभी 40,000 एसी बोल रहा है, 35,000 एसी बोल रहा है, आप लोगों ने जो मैसेज किया 30,000 का एसी आप लोगों ने भेजा लिख करके, 30,000 वाला एसी है ना, तो 30,000 कम से कम 30,000, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा, वो 30,000 पूरा कि साला 30,000 में हम एसी में, एसी अपना सुविधा के लिए हम 30,000 खर्चा करेंगे, मतलब हम इतना रईसी हो गए, मेरा इतना ही हो गया है रईसी का दिन। अरे बैंक निपट बैंक निपट साला गर्दार छोड़ा दिया रे दादा, देख रे देख बप साला, बोल बोल के भाग गया 334 के, आप लोग मार बैंक बप साला, देखे कैसे चला गया हैं बप गर्दा। देखा आप लोगों ने कैसे काम हो गया, चुटकी में चिपका है फेविक्विक जैसा, नहीं बोलिए अब क्या चाहिए दादा, इस सांसारिक मोह माया में क्या चाहिए।
जिसके पैसे नहीं बने होंगे वो क्या करेगा, रोएगा। अब फ्री में क्या चाहिए, फेवी में, फेवी क्विक हो गया फ्री में, बताइए। चलो भैया खर्चा निकल गया, टीसीएस का ब्रोक लेवल हो गया, 15 पॉइंट बुक कर लिया, ओके बुक हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए इस सांसारिक मोह माया में, क्या जीवन में बैठा है सर, क्या इस जीवन में पड़ा है, बताइए ना भैया। पैसा फ्री में बनवा के देता हूँ लोगों को, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों के यहाँ पे पैसे बनते, लेकिन लोग जो है ना अप्रिशिएट नहीं करता है कि तुम्हारा कुछ है, फ्री में करते हो तो तुमको क्या तुम्हारा ही करेगा, बताइए क्या बोला जा रहे भाई। जब 214 600 वाला ना, ला 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 फर्स्ट टारगेट डन 42 600 सी फर्स्ट टारगेट डन। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। धन क्या लिख रहे धर्मेंद्र जी, बहुत धन्यवाद सर, हफ्ते भर की सैलरी निकल गई, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्ट फोड़ दे रहे गर्दा, ओ हो बाप दोस्त, अरे बाप रे, काटो तो खून ना हो रहा, अरे भाई काटो तो खून ना हो रहा, एकदम गजब हो गया, अरे भाई बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। ऑल टारगेट डन बैंक निफ्टी 42 600 सी बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। ये देखिए मजाक है, मजाक 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 चलता मजाक, बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। अरे बाप आगे माए, अरे बाप ये क्या हो गया रे भाई, अरे बाप रे बाप दादा, ओहो हो, अरे बाप रे बाप काटो तो खून न हो रहा, अरे बाप रे बाप गर्दा छोड़ा रखा। 330 42 500 ऑल टारगेट डन, ये भी हो गया भाई, 310 फर्स्ट टारगेट डन हुआ, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए, 300 ऑल टारगेट डन, ऑल टारगेट डन बैंक निफ्टी 42 500 सी ऑल टारगेट डन। अब क्या चाहिए रे, बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए, क्या कहते हैं आपकी बात मानता है जीते जी लिख रहे, अरे मेरी बात नहीं मानता है भैया, मेरा बात माने तो मैं तो कहूँ आज 1 लाख का बैंक निफ्टी हो जाए, लेकिन अपना काम हो गया भैया जो। अच्छा याद करिए, अभी जस्ट मैंने बोला था जस्ट थोड़ी देर पहले, याद करिए। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, मेरा जो पोजीशन है, जो मैं कहा कि मैं बैठा रहूंगा पूरे एक्सपायरी दिन तक मैं बैठा रहूंगा, कहाँ 1300 का था, अभी कहाँ 770 बचा है कि ना, ये मैं बैठा रहूंगा, मुझे लॉस मंजूर है इसमें, लेकिन मैं बैठा रहूंगा भर एक्सपायरी दिन तक, 1 नंबर तक, मुझे टेंशन नहीं। प्रॉफिट बीच में आ गया तो काट लूंगा, लॉस आ जाएगा तो पूरा वेट करूंगा। बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए, सारे काम हो गए भैया, सब काम हो गया, एंजॉय कीजिए। बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए, बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। हम्म
तो क्या अब बंद किया जाए? क्या लिख रहे? चल क्या है, आपकी पसंद के एक गाने के साथ क्लोज कीजिएगा। अरे मेरा पसंद का गाना, मेरा पसंद का मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। और वो एक दूसरा, वो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, समझे? ये इस गाना मैं ज्यादा सुनता हूँ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। सब गाना जो है पूरा जीवन का सार है, पूरा जीवन है इस गाने में, पूरा जीवन। महलों में हो तेरे गीतों की मस्ती, गलियों में हो तेरे गीत बोलों की बस्ती, महलों में हो तेरे गीतों की मस्ती, महलों में हो तेरे गीतों की मस्ती। क्या राजा क्या प्रजा, क्या बूढ़ा क्या बच्चा। बहुत सुंदर गाना है भाई, जीवन में इस गाने को हमेशा सुनिए। पूरा गीता का ज्ञान है इसमें, पूरा गीता का ज्ञान है इस गाने में। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। चलिए क्लोज करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सारे लोगों को धन्यवाद। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। महलों में हो तेरे गीतों की बस्ती। चलिए दोस्तों अब बंद करता हूँ मैं। आपने देखा कितना सिंपल तरीके से हम लोग बैठे रहे, काम हो गया, आप लोगों को प्रॉफिट बना के दे दिया, कहीं कोई टेंशन नहीं। गीतों में समय दोस्तों देखिए 10:47 हुआ, तो जो आप मुझे लॉस में देख रहे थे, देखिए वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ ना। कितना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बैठा हुआ था, और ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस से आता है, चार्ट रीडिंग से आता है। मैं मार्केट गिर रहा था, फिर भी मैं आप लोगों को पुट नहीं दे रहा था, एक भी पुट मैंने नहीं दिया, सारे मैंने कॉल दिए। और देखिए सारे टारगेट कॉल के आगे, सारे टारगेट कॉल के डन हो गए, हुए कि नहीं हुए? सारे टारगेट आगे, चाहे वो बैंक निफ्टी 42,400 का रहे, चाहे 500 का रहे, चाहे 600 का कॉल ऑप्शन रहे, सारे टारगेट डन हो गए, है ना। और मेरा भी जो आप लोग लॉस में देख रहे थे मुझे, जो मैं कह रहा था कि पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, तो उसमें भी देखिए मुझे प्रॉफिट बन गया। तो अगर एक्सपायरी से पहले ही अच्छा प्रॉफिट अगर बन जाता है तो मैं पहले ही बुक कर लूंगा, और नहीं तो मैं भर एक्सपायरी को होल्ड करने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट इसमें बनता है ना, वो बनता है 35 रुपए से 34 रुपए के आसपास, 33 से 34, ये मेरा टारगेट बनता है, ये वाला एरिया, ठीक है, 32 और 35, ये दो टारगेट। तो दो में से जो भी आएगा मैं बुक, यहाँ से 10 पॉइंट अभी और ऊपर 6 पॉइंट, तो मैं पहले ही बुक कर लूंगा, उसमें मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओवरऑल जो बिलीव, जो भरोसा आपको आता है चार्ट रीडिंग से, जो चीजें आप एनालाइज करते हैं, आप उसको एक इम्प्लीमेंट करिए, है ना, इम्प्लीमेंट करिए। और ये सारे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पैसे बनवा के देता हूँ, कोई चार्ज नहीं देता हूँ। कुछ लोग टेलीग्राम को, यूट्यूब को बदनाम कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, कभी कभी मेरा मन करता है मैं क्लोज कर दूँ टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इसलिए कि बहुत सारे लोग ना इसको बर्बाद कर रखा है टिप्स के नाम पर। एक्चुअली स्टडी की चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे भागा जा रहा है, जो 42,400 का कॉल ऑप्शन मैंने दिया, सारे टारगेट डन हो गए, 500 तक का चला गया, देख लेना गजब। और मेरा भी यहाँ पर 1,000 हो गया, 963 हो गए, 900 हो गए, है ना। तो कहीं कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आप करिए, आराम से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों समय हो गया है 11:45 और 23 सेकेंड, और मेरा पोजिशन आप देखें तो 3,000 के ऊपर चला गया था, अभी 3,300-3,400 था, खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 2,600 है ना। तो वही मेरा ट्रेड है, सिंगल एक ट्रेड है जो कि मैंने लिया हुआ है। इसमें लागत मेरा क्या गया आप देखें, अगर मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ
तो 18 रुपया 86 पैसा है और इंटू 165 क्वांटिटी, 3,111 रुपया लगे हैं मेरे, और उतना मेरा आ भी रहा है ना, लगभग लगभग उतना आ भी रहा है। तो एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा प्रॉफिट बन गया। अब मुझे यहाँ से देखिए 42,870 का मारा है इसने हाई, तो मैं अब यहाँ से पोजीशन को कट कर लूँगा। अब कोई फायदा नहीं है रुक के, 2,300-2,400 आज ही बन गए, लगभग लगभग जितना का कैपिटल लगा उतना ही बन गया मेरा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा भी था अगर एक ही दिन में अच्छा प्रॉफिट बन जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, और अब मैं यहाँ से निकल भी गया, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपना काम यहाँ पे हो गया है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब बंद करता हूँ, आप लोग के भी सारे टारगेट डन हो ही गए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।